नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जैसा कि आपको मालूम है कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का रजिस्ट्रेशन जो है 3 जुलाई को समाप्त हो चुका है और उसके बाद 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक IVR कॉल भी आना शुरू हो चुका है। तो अगर आपके नंबर पे कॉल नहीं आया है तो 8 जुलाई तक आप वेट कीजिए। हो सकता है अगर नाम आपका सेलेक्ट होता है रैंडम के द्वारा तो 8 जुलाई तक आपके नंबर पे जरूर जो है IVR कॉल आ जाएगा। हालांकि वीडियो का थंबनेल में आप लगभग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे परिचित हैं हमारे जिनके पास IVR कॉल आया है और उसमें थोड़ा सा बदलाव क्या हुआ, यानी कि हर प्रतिभागी के पास जो IVR कॉल गया है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ और बदलाव क्या हुआ वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि फॉर्मेट आपको पता होगा, अगर आप सोनीलिप ऐप के जरिए जो है रजिस्ट्रेशन आप किए हुए हैं, चूंकि री रजिस्ट्रेशन जो हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ सोनीलिप यूजर्स के लिए ही हुआ था, तो अगर आप सोनीलिप ऐप पर जाके इंस्ट्रक्शन आप पढ़े होंगे तो उस पर स्पष्ट डाटा दिए हुआ है को अगर आपके मोबाइल नंबर पर IVR कॉल आता है तो उसमें स्टेप बाई स्टेप क्या क्या आपसे पूछा जाता है। उसके बावजूद भी कुछ डाटा मेरे पास है जो हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या पूछा जाता है। पहला, जब IVR द्वारा कॉल आपके मोबाइल पे आएगा तो आपको वेलकम किया जाता है और उसके बाद जो है आपसे भाषा सेलेक्ट करने के लिए वहां पे पूछा जाता है, यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप भाषा सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए 1 या 2 ऑप्शन आपको मिलता है और उसके अनुसार आप अपने भाषा को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर अगला जो IVR का सवाल होता है वो आपसे यहाँ पे प्रस्तावित करता है कि जो KBC का रजिस्ट्रेशन किए हुआ है हम उससे बात करना चाहते हैं, तो आपको 1 या फिर 2 के द्वारा सेलेक्ट करना पड़ता है कि अगर आप खुद हैं तो 1 दबाइए या फिर 2। तो इस तरीके से आप सावधानी से वहां पे सुन लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो वो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप नेत्रहीन है, अगर नेत्रहीन होंगे तो वहां पे 1 दबाइए या फिर 2। तो पहले आप यहां पे ये जान लीजिए कि KBC पे नेत्रहीन को नहीं बुलाया जाता है, इसलिए ब्लाइंड व्यक्ति वहां पे नहीं जा सकते हैं, तो सेकेंड वाले ऑप्शन आपको वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद आप वहां पे सुनिएगा जरूर 1 है या फिर 2 है, कभी क्योंकि फॉर्मेट बदल जाएगा, कभी पहले वाले ऑप्शन पे 1 दे देगा और सेकेंड वाले ऑप्शन पे जो है यहां अगर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन को पहले समझिएगा, सुनिएगा और उसके बाद जो ही बटन को प्रेस कीजिएगा। इस तरीके से चौथा जो क्वेश्चन आ जाता है वो KBC के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि क्या KBC के किसी भी सीजन में आप फास्ट रिंगर फास्ट तक आप पहुंचे हैं, अगर आप वहां तक पहुंचे होंगे तो आपको वहां पे सेलेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप KBC में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप पहुंचे हैं या फिर नहीं पहुंचे हैं, तो आप बटन के द्वारा वहां पे प्रेस कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हम आपको पहले भी बताए थे वीडियो में कि IVR जब कॉल आता है तो उसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी 3 क्वेश्चन में जो है कई सारे ऐसे परिचित हैं जिनके साथ बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है कि जो सवाल पूछा गया है उसमें कई सारे ऐसे मेरे परिचित हैं जिनके पास 4 ऑप्शन उनको दिया गया है, यानी कि 3 जो सवाल पूछा गया है, तीनों सवाल में 2 सवाल जो है दोनों में ऑप्शन दिया जाता है 4-4, और तीसरा सवाल जो होता है वो एक संख्या के आधार पर होता है, यानी कि तीसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा उसमें आपको नंबर प्रेस करना होगा, उसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि नियर टू आंसर उसी को बोला जाता है, तो उसमें सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको खुद ही वहां पे जो है आंसर डालना पड़ता है, वो आंसर जो है आपको एक संख्या के रूप में होता है। और बाकी 2 क्वेश्चन जो होता है तो कई सारे ऐसे परिचित हैं जिनके पास 2 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है, और कई सारे ऐसे परिचित हैं जिनके पास IVR कॉल आया है तो 2 क्वेश्चन में जो है सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया और 2 ऑप्शन दिया गया, दोनों में से चूज करना था कि अगर इसका राइट आंसर है तो 1 दबाइए या फिर 2 दबाइए। तो यही कन्फ्यूजन हुआ है, या फिर इसको कन्फ्यूजन नहीं कहेंगे, ये 2 ट्रिक है, यानी कि 2 तरीके से यहाँ पे सेट किया गया है क्वेश्चन को, तो ये 2 बदलाव हो सकता है। अगर आप YouTube पे देखते होंगे या फिर कहीं भी ऐसा वीडियो अगर आप देखते होंगे तो आपको कोई बताता होगा कि मेरे पास 4 ऑप्शन आया और कोई बताता होगा 2 ऑप्शन आया है, तो आप इसके बीच में कन्फ्यूजन में नहीं फंसिए कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल ये दोनों फॉर्मेट है, KBC का दोनों फॉर्मेट है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यही क्वेश्चन जो है आना शुरू हो चुका है। तो आप ये इंस्ट्रक्शन अगर पढ़े होंगे, आपके पास होगा उसका स्क्रीनशॉट आप निकाले होंगे तो ये आप पढ़ लीजिएगा फिर से, और अगर आपके पास नहीं भी इंस्ट्रक्शन होगा तो जो हम आपको इंस्ट्रक्शन बताए हैं ये इसका IVR कॉल का परफेक्ट इंस्ट्रक्शन है, और उसके साथ जो है 3 सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो बेसिक सवाल होता है उस पर कोई उस तरीके का नहीं ये होता है, लेकिन बेसिक हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर छोटा भी क्वेश्चन अगर हमें नहीं मालूम हो तो मेरे लिए हार्ड हो जाता है, यानी कि भारी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल जो ये IVR कॉल के द्वारा क्वेश्चन 3 आपसे पूछा जाता है वो बेसिक ही क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका नंबर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो कल तक आप वेट कीजिए, 8 तक हो सकता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे IVR के द्वारा जो है कॉल आ सकता है, तो
आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले थे कि अगर आपके नंबर पे IVR से फ़ोन आता है तो आपको सावधानी होकर पहले उसके बात को सुनना है, समझना है, और उसके बाद ही जो है आप बटन को प्रेस कीजिएगा। बीच में डिस्टर्ब होकर कोई भी ऐसा बटन जो है गलत प्रेस नहीं कीजिएगा। अगर आप गलत जैसे ही प्रेस करते हैं वो कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए सावधानी होकर जो है KDC का जो IVR कॉल होगा उसको आप अप्लाई कीजिएगा, यानी कि बटन को प्रेस कीजिएगा।